सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि फ्री फायर की वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं फ्री फायर की वीडियो प्रोफेशनल एडिटिंग करना, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि फ्री फायर की प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट करते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि फ्री फायर की प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग का एक यूट्यूब चैनल है और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग अपने फ्री फायर गेमिंग की, लेकिन आप लोग यहाँ पे उससे पहले एडिटिंग करते हैं, तो आप लोग प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने फ्री फायर की प्रोफेशनल वीडियो को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को मैं फ्री फायर की वीडियो को एडिटिंग करने का फुल ट्यूटोरियल A to Z देने वाला हूँ, और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग फ्री फायर की वीडियो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से फ्री फायर की प्रोफेशनल वीडियो को कैसे एडिट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, फ्री फायर की वीडियो को एडिटिंग करना मैं सिखाऊंगा काइन मास्टर से। तो मोस्टली जो वीडियो को मैं एडिटिंग करता हूं वो काइन मास्टर से ही एडिटिंग करता हूं, और आप लोग को मैं बता देता हूं जो भी यूट्यूबर वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा काइन मास्टर से ही वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल होता है। तो आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि फ्री फायर की वीडियो आप लोग काइन मास्टर से कैसे एडिट करेंगे। दोस्तों, जब आप लोग काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरीके का काइन मास्टर का इंटरफेस मिलेगा, और इस काइन मास्टर की एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद जब ओपन करेंगे काइन मास्टर को तो इसका इंटरफेस इस तरीके से मिलेगा। अब आप लोग इसको A to Z आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है, और यूट्यूब के लिए वीडियो अपलोड करना है तो एडिटिंग करना है तो 60.9 का रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग जाएंगे अपनी जहाँ पे भी आप लोग की वीडियो पड़ी हुई है इसकी रिकॉर्डिंग, तो आप लोग उस इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो को उठाइए और जो भी वीडियो है उसको आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे एक वॉल्यूम का आइकन आता है, यहाँ से आप लोग इसका जो वॉल्यूम है वो आप लोग 200% तक बढ़ा सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम इसके आप लोग ऑन कर सकते हैं और वीडियो को आप लोग प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे का जो पार्ट है मुझे हटाना, ये वेस्ट पार्ट है, मुझे लगता है इसका कोई काम नहीं है, तो मुझे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हटाना है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो पार्ट है मैं आगे से जो है यहाँ पे हटा देता हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ से मैं वीडियो की क्लिप लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं क्लिप लूँगा। और ये एक आप लोग वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप लोग को आगे का जो पार्ट है वो कट करना है यानी हटाना है, तो आप लोग एक यहाँ पे स्पेल्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है या कैची का आइकन मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब आप लोग को आगे का पार्ट हटाना है तो ट्रिम टू लैपटॉप प्ले ऐड पर क्लिक कीजिए तो आगे का पार्ट हट जाएगा। पीछे का पार्ट हटाना है तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले ऐड पर क्लिक करेंगे तो पीछे का पार्ट हट जाएगा। अगर आप लोग को बीच से कट करना है पार्ट को तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो वीडियो की लेयर है वो बीच से कट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे से जो है बेस्ट पार्ट है मैं इसको हटा देता हूँ, इसको फर्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करके ये मेरा पार्ट आगे से कट हो गया है। तो आप लोग को जो है कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ से कट कर सकते हो। अगर आप लोग को पार्ट को जो है यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ पीछे से अगर हटाना, तो आप लोग जो है सेकंड वाले ऑप्शन से क्लिक करके आप लोग पीछे से हटा सकते हैं। अब आप लोग को गलती से जो है आपने एडिट कर दिया या कुछ भी गलती हो गई तो आप लोग यहाँ पे रीडू और अंडू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से कर सकते हैं रीडू और अंडू। अब यहाँ पे मिल जाता है आप लोग स्पिल्ड एड प्ले ऐड, बीच से पार्ट कट करना है और दूसरी लेयर ऐड करना है। स्पिल्ड एड प्ले ऐड पे क्लिक करके आप लोग दूसरी लेयर यहाँ पे जो बीच से लेयर को कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग दूसरी कोई आप लोग का इंट्रो वगैरह रहता है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ और कोई भी आप लोग का जो इंट्रो वगैरह रहता है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरी वीडियो है वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी वीडियो है तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ऐड कर सकता हूँ, इसका जो साउंड वगैरह है वो आप लोग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद इसको ऑफ भी कर सकते हैं। साउंड को मैंने ऑफ किया, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो मैंने वीडियो की क्लिप है ये वाली मैंने ऐड की है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग इस क्लिप को जो है डिलीट कर सकते हैं, पीछे से आप लोग हटा सकते हैं एक्स्ट्रा जो है लेयर को। तो मैं फिलहाल इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये ऐड नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब ये जो मेरा पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो पार्ट है मेरा मैं यहाँ पे इसको जूम करूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोग इस तरीके से जूम कर सकते हैं, जैसा आप लोग को जूम करना है वैसे आप लोग कर सकते हैं। और ध्यान रखना आप लोग को जो है इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है, ताकि आप लोग की लास्ट लेयर और फर्स्ट लेयर आप लोग
सो फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। जूमिंग का आप लोग को ऑप्शन दे दिया है मैंने और बता दिया है, इससे आप लोग जूम करेंगे। और इसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये आप लोग यहाँ पे हो चुका है जूम। और अब यहाँ पे मैं ये क्लिप एक मैंने तरीका दोनों तरीके आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो में बता दिए देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत है, परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कीजिए, आप लोग जो है चाहते हैं वीडियो में स्लो मोशन, फास्ट मोशन। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग इधर साइड में चलेंगे तो आप लोग की वीडियो स्लो मोशन होगी। जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्लो मोशन डालेंगे। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फास्ट, थोड़ा फास्ट लैंड कराऊँगा यहाँ पे। और ये मेरा मैंने क्लिप में फास्ट मोशन डाल दिया, तो आप लोग यहाँ से फास्ट मोशन डाल सकते हैं। अभी स्लो मोशन और फास्ट मोशन में आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से रहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने लैंड किया जैसे, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्लो मोशन और फास्ट मोशन करके। अभी इस पार्ट में मुझे डालना है, मैं पार्ट को जो है कट कर लेता हूँ स्प्लिट करके। जितने पार्ट में मुझे स्लो मोशन और फास्ट मोशन चाहिए उतना पार्ट मैंने कट कर लिया। स्पीड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है स्लो मोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लो मोशन कर सकते हैं इस तरीके से। प्ले करूँगा वीडियो तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो मोशन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं और ज़्यादा स्लो मोशन करना चाहता हूँ तो और भी ज़्यादा यहाँ पे स्लो मोशन कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं हमारी वीडियो और भी ज़्यादा यहाँ स्लो मोशन हो चुकी है। आप लोग को फास्ट मोशन डालना है, स्पीड पे जाइए और 1x से आप लोग इधर चलिए 1.5, तो आप लोग वीडियो फास्ट मोशन में प्ले होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन यहाँ पे डाल सकते हो। अब दोस्तों, आप लोग वीडियो में फ़िल्टर वगैरह डालने हैं तो वो कैसे डालने हैं, जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे लेयर पे और कलर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को बेसिक मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग जो कलर फिल्टर होते हैं, ये आप लोग यहाँ से कलर फिल्टर डाल सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग कलर फिल्टर डालते हैं, तो आप लोग यहाँ से ये जो है आके यहाँ पे आप लोग कलर फिल्टर डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर फिल्टर डाला है, तो हमारी पूरी हेल्प तरीके से यहाँ पे प्ले होगी, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से आप लोग कलर फिल्टर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसा मेरा कलर फिल्टर नॉर्मल ले लेता हूँ, मैं इसको नन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है रिवर्स, तो यहाँ से आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रिवर्स किया तो यहाँ पे आप लोगों को पता है आप लोग की वीडियो रिवर्स हो जाती है, यानी कि आप लोगों की वीडियो उल्टी प्ले होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिवर्स किया तो ये बोला इफ़ यू क्लोज काइनमास्टर ऑफ टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो आप लोग को वेट करना है, काइनमास्टर को ऑफ नहीं करना है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए और आप लोग का जो क्लिप है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारी जो क्लिप है वो हो चुकी है यहाँ पे रिवर्स। ये फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ से आप लोग क्लिप को जो रिवर्स कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये हमारी जो क्लिप है रिवर्स हो चुकी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स कराए जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग रिवर्स वाले ऑप्शन से रिवर्स कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एक बार, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाता है एडजस्ट। एडजस्ट में इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन मिल जाती है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। और HUE का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप लोग HU को यूज़ कर सकते हैं। अब क्लिप ग्राफिक्स में आप लोग यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स में ये ग्राफिक्स हैं कुछ इस तरीके से, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके ग्राफिक्स यूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको नन कर लेता हूँ। ये ग्राफिक्स होते हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप लोग अपने वीडियो को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से रोटेट वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। और यहाँ मिल जाता है कलर फिल्टर एडजस्टन, इको आप लोग मिल जाता है और वॉल्यूम इनेबल मिल जाता है, रिवर वॉइस चेंजर मिल जाता है, यहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हो। और यहाँ मिल जाता है आप लोग को जो है देख सकते हैं विग्नेटी आप लोग इनेबल कर सकते हैं। अब ये आप लोग का जो वीडियो है वो आप लोगों ने इंट्रो वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं और मैं पीछे से कोई दूसरा वीडियो की क्लिप है वो ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि मैं आप लोग के यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने वीडियो लिया और यहाँ से मैं पार्ट को यहाँ से कट कर लेता हूँ, पीछे से इसको हटा देता हूँ। अब ये मेरा जो साउंड है वो यहाँ पे, इसमें साउंड भी है, पीछे आगे से इसको पार्ट को कट कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे आप लोगों को एडिटिंग करनी होती है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ लिखना है तो लेयर पे क्लिक कीजिए, टैक्स पे जाइए और यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं।
मैं लिख देता हूँ मिस्टर सोनू टेक्निकल, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप लोग ने देखे होंगे कई लोग अपने चैनल का नाम वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग चैनल का नाम दे सकते हैं, कलर वगैरह जैसा देना है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आप लोग चेंज करना चाहें फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन दे सकते हो आप लोग, ऐसे एनिमेशन होते हैं जो काफ़ी लोग यहाँ पे डालते हैं एनिमेशन, तो वो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हो। वीडियो प्ले करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो बता दिए। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है फ्री फायर की तो आप सकते हो। अब लेयर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओवरले मिल जाते हैं, यहाँ पे इन ओवरले को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गेट मोड पे डाउनलोड करके आप लोग ओवरले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग को वॉइस ओवर करना है तो REC का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके वॉइस ओवर कर सकते हो, यहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हो, ठीक है, इस ऑप्शन से। अब आप लोग को बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना होता है तो ऑडियो पे क्लिक कीजिए और नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग डाउनलोड करके रखिए। और मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक ये ले लेता हूँ, प्लस के आइकन पर मैं क्लिक करूँगा और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और आगे से इसको मैं कट करूँगा और इसको लॉन्ग प्रेस करके साउंड को मैं आगे खिसका दूँगा और वीडियो प्ले करूँगा। एक मैं तरीका आप लोगों को वीडियो बता दिए। तो ये आप लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक की आप लोग साउंड की जो वॉल्यूम वो कम कर सकते हैं, लगभग लोग रखते हैं लगभग 20 से या 18 इस तरीके से रखते हैं, 10 भी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो एडिटिंग करेंगे और इसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग की फ्री फायर वीडियो कंप्लीट एडिट हो जाती है। तो इसमें लोगो वगैरह लगाना होता है तो मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप लोग का जो लोगो होता है वो आप लोग लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरा फ़ोटो है इसका मैं लोगो बना लेता हूँ, क्रॉपिंग पे जाऊँगा, इनेबल करूँगा और ये मैं अपना बना लेता हूँ ऐसे ही लोगो। इस लोगो को मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, जहाँ आप लोग की मर्जी है वैसे आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं और फुल लेयर में आप लोग इस तरीके से लोगो लगा सकते हो। ये लोगो लग जाएगा, वीडियो रेडी हो जाती है, एरो पे आप लोग क्लिक करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को इस वीडियो को जहां यूट्यूब चैनल पर या कहीं पे भी अपलोड करना है वहां जाके नॉर्मली इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग जो अपनी फ्री फायर की वीडियो है उनको एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे और सीख चुके होंगे कि फ्री फायर की प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को प्रोफेशनल फ्री फायर की वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।